नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जनता की आवाज, और आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं जो कुछ सोशल इश्यूज हैं, और आज का हमारा टॉपिक होगा स्मोकिंग, जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग होती है उसके बारे में। आप सभी जानते होंगे लास्ट टाइम हमने कंडीशन ऑफ टीचर्स का एक टॉपिक रखा था और उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जो कि एक सोशल इश्यू है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम मैं उसका सेकंड पार्ट जरूर बताऊंगा आपको। हमने कुछ ऐसे स्टेप भी लिए हैं जिससे उन टीचर्स को बेनिफिट मिल सकता है, और ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगी। तो साथियों, अभी हम बात करते हैं कि पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग करते हैं लोग, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें भगवान ने एक जीवन दिया है जिसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हम अपने एंजॉय के चक्कर में अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को छोड़ के चले जाते हैं। काफी ऐसी बीमारी होती हैं जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने से होती हैं, लेकिन इंसान शायद अपने जीवन का जो मोल है, जो मूल्य है, वो नहीं समझ पा रहा है। तो एनीवे, अभी बात करते हैं स्मोकिंग। आपको पता होगा कि स्मोकिंग कितनी हानिकारक है और ड्रिंकिंग कितनी हानिकारक है। तो साथियों, स्मोकिंग अगर कोई करता है, सबसे पहले तो करनी नहीं चाहिए। अगर कोई स्मोकिंग करता है, आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हुए लोगों को, हालांकि कानून ने काफी नियम बना रखे हैं, काफी कानून बने हुए हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या इतनी होती है कि कानून से भी छिप जाते हैं। लेकिन मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग ना करें। मैं बहुत बार ट्रेवल करता हूं और डेली का काम होता है ट्रेवल करना, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा यूज करता हूं। तो जब मैं बस में या ऑटो में जाता हूं, खासतौर पे जो ऑटो होते हैं, तो आपने देखा होगा काफी ऐसे पर्सन होते हैं, जब तक वो बाहर खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खड़े हैं, और ऑटो या कोई भी चीज बस मिली उसमें बैठते ही स्मोकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि मेरा पैसा है, मैं व्यर्थ कर रहा हूं। पैसा आपका है, लेकिन ये जो एनवायरमेंट है और ये जो हेल्थ है, ये सभी का है। इस वातावरण में आप, आपके बच्चे सभी रह रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज को नहीं सोचते और उल्टा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। मेरे साथ भी काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। कई बार कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि अंकल जी आप ये ना करें, आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो लोग उल्टा लड़ने को भागते हैं कि मैंने पैसे फूके इसमें। वो पैसे आप पर्सनली कहीं अलग जाके, एक सेफ जगह जाके आप ये स्मोकिंग करें, हालांकि है तो गलत, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है। तो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने का मतलब है, मैं आपको पहले बता देता हूं, स्मोकिंग में होता क्या है, धुआं होता है। इसमें यह तो नहीं है कि कोई फ्रूट हमने खाया वो अंदर चला गया, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। स्मोकिंग में होता है कि अगर आपके साथ कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा नुकसान आपको हो। आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसकी अंदर की बीमारियां, जो भी उसके अंदर बीमारी है, वो धुएं के माध्यम से आपके अंदर जा सकती है। और अगर कोई पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। और मैं उन लोगों से, सीनियर सिटीजन से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये गलत है। आपकी वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान होते हैं, और मैं आए दिन ये चीजें देखता हूं, खासतौर पर अगर हम जा रहे हैं गांव वगैरह में, इवन सिटीज में भी काफी लोगों को मैंने देखा है, और रास्ते में ऐसे स्मोकिंग करते जाते हैं, पता नहीं क्या चीज है। उन लोगों को शायद कुछ चीज समझ नहीं आती, उन लोगों को जीवन का मूल्य नहीं पता।
तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये चीजें प्लीज अपने अगर आसपास आप देखते हैं तो उन लोगों को आप समझाएं कि स्मोकिंग में कुछ नहीं होता, स्मोकिंग में धुआं होता है। अब एक बात बताइए, आपके साथ कोई बैठा है वो स्मोकिंग कर रहा है, इवन माँ बाप ही हैं, माँ बाप बैठे हैं आपके और आप उनके साइड में बैठे हो, वो आपके साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको भी उतना ही नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि आपको ज्यादा नुकसान हो रहा हो स्मोकिंग से। आप उनको समझाएं कि इससे अच्छा तो मैं स्मोकिंग कर लूंगा। तो सबसे पहले बच्चों के आसपास स्मोकिंग ना करें, यह बहुत ही खतरनाक है। बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, सांस की बीमारियां हो सकती है, दमा हो सकता है, इसके बाद कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने एंजॉय के चक्कर में दूसरों का जीवन खराब ना करें। इसका इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट को हो रहा है, हमारे शरीर को हो रहा है, तो आप प्लीज ये ना करें, ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। और साथियों, अगर आप अपने आसपास किसी यंग पर्सन को ऐसा करते हुए देखते हैं पब्लिक प्लेस पे, आप उनकी वीडियो बनाएं और उसकी कंप्लेन करें। ये चीजें बहुत गलत है। इवन मैं बड़ी बड़ी स्टीज में देखता हूं, कंपनीज होती है, कॉल सेंटर होते हैं, वहां स्मोकिंग की जाती है। तो ये सारी चीजें गलत है। इसके बाद गुटखा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नशीली चीजें हैं, तो उनका प्लीज यूज ना करें। जब आदमी को दिक्कत होती है तब पता चलता है कि यार मैंने बहुत गलत किया, तो पहले ही समझ जाए जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। तो साथियों, मुझे पता है कि फनी टॉपिक्स या कोई मसालेदार चीज आप जरूर शेयर करेंगे, इस चीज को आप जल्दी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो साथी चाहते हैं कि समाज में ये चीजें ना रहें, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।